नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 के प्रथम पार्ट कबीर दास की साखी के प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी अभ्यास में प्रश्न आए हैं उनको हम समझेंगे। और अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। प्रथम नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें है मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन में अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे बोल रहा है दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलाते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। अब देखेंगे थर्ड प्रश्न की ओर। थर्ड प्रश्न में बोला ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हमें उसे क्यों नहीं देख पाते, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। देखिए इसका उत्तर ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरी चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य आंखें नहीं मिलती तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते हैं और ना ही अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट में बोला हमसे संसार के सुखी व्यक्ति कौन है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका उपयोग क्या क्यों किया गया है स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर है संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है उसके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। या सोने का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों में विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किया जा रहा जारे प्रयासों का प्रतीक है। इसका उपयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं को दूर रखने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। यानी कि जो व्यक्ति सो रहा है सुख से वो प्रभु को पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, और जो जाग रहा है वो प्रयास कर रहा है निरंतर जिससे उसकी ईश्वर की प्राप्ति की जा सके। प्रश्न 5 देखेंगे। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो इसका उत्तर है अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना हित सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निर्जर बुराइयों से दूर रहकर सद्गुणों को अपनाने में सहायता सिद्ध होती है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। जब कोई हमारा निंदक हमारी कमियां बताएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उन कमियों को दूर कर सकते हैं। नहीं तो चापलूस व्यक्ति अगर हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे तब भी हमें वो सही सिद्ध करेगा और इस वजह से हम हर चीज गलत करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद प्रश्न है हमारे यहाँ पर एके अशीर पीव का पड़े सुपंडित होई इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। एके अशीर पीव का पड़े सुपंडित होई पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्र है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित ज्ञानी नहीं बन सकता। यहाँ पे पंडित का मतलब क्या है, ज्ञानी से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कबीर के उद्गृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा हमारे यहाँ पर कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन संभावनाओं को अपनी सदुघट्टी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए हैं। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी
माना है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, इनके क्या करने हैं, हमें यहाँ पर भाव स्पष्ट करने हैं। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, इसका उत्तर क्या होगा, हमारे यहाँ भाव क्या होगा। इस पंक्ति का भाव है कि बिरह यानी कि जुदाई, पृथकता, अलगाव यानी बिछड़ जाते हैं ना, जब उसका वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर, एक सर्प के समान है, एक सांप के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। यानी कि जब किसी जुड़ाई में तड़प रहे होते तो वो एक सांप के समान है, जिस प्रकार सांप खतरनाक होता है हमारे लिए वो भी खतरनाक होता है, मन में बैठ जाता है हमारे। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, जब कोई बिछड़ जाता है तो चाहे आप कितनी ही मंत्र कर लो, कितनी भी दवाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति इसका स्थायी समाधान है। जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे हमें कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, एक तरह से ये बताया गया जुदाई की समस्या भी रहेगी, हमें दिक्कतें रहेंगी। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, कस्तूरी कुंडली बसे मृग धूड़े वन माही, इसका क्या भाव होगा। तो इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर दौड़ता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थानों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतरकरण में झांकने से ही मिलते हैं, अपने अंदर झांकने से ही मिल जाते हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, इसका क्या होगा हमारा। तो इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम यानी अहंकार की भावना अथवा अंधकार विद्यमान रहता है तब तक उसमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते, घमंड और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पित आवश्यक है, पूर्ण समर्पित होना आवश्यक होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, ठीक है इसका अर्थ क्या होगा हमारे यहाँ पर, कि पोथियां यानी कि क्या होता है, पढ़ाई लिखाई और मोटी मोटी किताबें या फिर हम बोल सकते हैं वेद ग्रंथ, वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया लेकिन आज तक कोई भी पंडित यानी कि पंडित का यहाँ पे क्या मतलब शो किया जा रहा है, ज्ञानी नहीं बन सका, अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, इसमें बोला है भाषा अध्ययन और इसमें हमसे बोला है पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए, जो आजकल यूज किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए पहला है हमारे यहाँ पर औरन, तो औरन का क्या हो जाएगा, औरों से या फिर औरों को या फिर और। दूसरा है माही, माही का मतलब होता है मैं या फिर अंदर। देख्या, देख्या का मतलब होता है आज के टाइम में देखा, यानी प्रचलित रूप है इसके ये, ठीक है। भुवगम, भुवगम का मतलब होता है भुजंग और इसे हम क्या बोलते हैं, सांप भी बोलते हैं। नेड़ा, नेड़ा का मतलब होता है निकट। आगे देखेंगे, अभी बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर। इसके बाद है हमारे यहाँ पर आंगणी, आंगणी का मतलब होता है आंगन में। सावण, सावण का मतलब होता है साबुन। मुआ, मुआ का मतलब होता है मर गया या फिर मरा। पीव, पीव का मतलब होता है पिया या प्रिय, ठीक है। जालो, जालो का मतलब होता है जलाऊ, जलाऊ। तास, तास का मतलब होता है उस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा योग्यता विस्तार, इसमें बोल रहा है हमसे यहाँ पे, साधु की में निंदा सहन करने से विश्व विनयशीलता आती है तथा व्यक्ति को मोटी व कल्याणकारी वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए, तो ये क्या करना है, चर्चा करनी है, तो इसको तो आपको खुद करना पड़ेगा, तो अपनी कक्षा में आप क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, कस्तूरी के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, तो कस्तूरी की हम आपको बात बता देते हैं। मृगों की एक प्रजाति होती है कस्तूरी मृग, ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति के मृगों की नाभि में कस्तूरी होती है जो निरंतर अपनी महक बिखेरती रहती है। इस कस्तूरी के बारे में खुद मृग को कुछ पता नहीं होता, वे इस महकदार वस्तु को खोजने के लिए यहां वहां घूमते फिरते हैं। आगे देखेंगे,
परियोजना कार्य मीठी वाणी बोली संबंधी व ईश्वर प्रेम संबंधी दोहों का संकलन कर चार्ट पर लिख भित्ति पत्रिका पर लगाइए। यानी कि मीठी वाणी से संबंधित हम यहाँ पे दोहे देख लेते हैं। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुंह बाहर आनी। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, कागा काको सुख हरे, कोयल काको देह, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो करी लेह। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा वचन, तीसरा श्लोक देखेंगे, मधुर वचन है औषधि, कठुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हरे सचरे सारे सकल शरीर। अब देखेंगे हम ईश्वर से संबंधित, ईश्वर में हमसे बोला है, रहीमन भजु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत आरोग्यवन हरि अनाथ के नाथ। बाकी हमने यहाँ पर तीन आपको मीठी वाणी संबंधित बता दिए हैं, एक ईश्वर संबंधित बता दिया है, बाकी के दो ईश्वर संबंधित आपको खुद सोचने हैं और लिखने हैं, बाकी इनसे भी आप काम चल जाएगा अगर और ना सोचना चाहो तो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, कबीर की साखियों को याद कीजिए और कक्षा में अत्याधिक अत्याचारी में उनका प्रयोग कीजिए। तो देखिए, याद तो आपको खुद करना पड़ेगा, तो आप इनको कंटस्ट कीजिए और याद कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रश्नोत्तर पूरे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी ये टॉपिक अच्छे से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।